BBCN न्यूज, बात आपकी, खबर हमारी। पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ढुले के डिवीजन में काम कर रही हाथा जंक्शन पुलिस ने एक लूट ग्रोह का पर्दाफाश करते हुए खुलासा किया है। पकड़े गए अभियुक्त कर्णवीर ने बताया कि मैं आकाश फोटो स्टूडियो जलीसर पर काम करता था। उसकी दुकान काफ़ी अच्छी चलती थी। मेरे दिमाग में एक फितूली खुरापात पैदा हुई और दुकान खोलने का विचार हुआ। इसीलिए मैंने अपनी बहन हुई जितेंद्र उर्फ सुभाष जंक्शन थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक घटना हुई थी। इसमें 12 तारीख को एक प्रोग्राम के लिए कैमरामैन की बुकिंग कराई गई। 24 तारीख की बात बताते हैं, इसमें जो पकड़े गए अभियुक्त थे इनमें से जितेंद्र जो है उसने अन्य नाम से किसी और के नाम से बुकिंग कराई और इसको वहाँ पर बुला लिया। उसके बाद उसका सभी सामान और उसके बाद जो चीज़ें थी उनको इन लोगों ने लूट लिया और ये सब सामान जो है इन लोगों से बरामद हुआ है। इसमें 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जितेंद्र, करणवीर, अजय कुमार और जीतू। इसमें से जितेंद्र और करणवीर एक इसके रिश्तेदार है, इसीलिए जितेंद्र ने अजय नाम से वहाँ पर बुकिंग कराई और इस प्लान में शामिल हुआ। इन लोगों का आपराधिक इतिहास भी है, बुलंदशहर से इनका आपराधिक इतिहास है और अलीगढ़ से भी आपराधिक इतिहास है। इन लोग खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई की आपकी लूट सर, इन्होंने मुझे बुक किया था 12 तारीख को। एक बंदा गया था सुभाष नाम का। कहाँ है आप दुकान, कहाँ पे आपकी? जलीसर में दुकान है, गोल्ड जलीसर में। अच्छा अच्छा, लूट कहाँ पे की थी आपकी? ये गंगोली पुल के नीचे से एक नए बांध के लिए दगड़िया गया। अच्छा, दगड़िया का 200 मीटर की दूरी पर एक तरफ हुआ था, वहीं लूट लिया। वहीं लूट लिया। क्या क्या सामान लूटा था आपका? एक 4K HD कैमरा था, एक D3000 कैमरा था और अंधेरा सेटअप था, दो मोबाइल थे और एक एलईडी लाइट थी, एक बैग था। लगभग कितने रुपए का सामान? सर 2,20,000 रुपये का सामान मिल गया। सारा सामान पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में कार कर रही हाथा जंक्शन पुलिस ने आज एक लूट कांड का खुलासा किया है। यह लूट पिछले दिनों एक स्टूडियो मालिक की, उसी के काम करने वाले एक व्यक्ति ने कुछ अज्ञात लोगों से मिल करके करा दी थी। अज्ञात में ये मुकदमा पंजीकृत हुआ, लेकिन आज सब उसका खुलासा हुआ है तो 4 अभियुक्तों को जेल भेजा गया है। मैं कैमरामैन शिवम के साथ महेश चंदले, BBCN न्यूज़ से।